गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। गाइस, सबसे पहले मैं आप सभी से माफी मांगना चाहूंगा क्योंकि मैं काफी टाइम से आपके साथ वीडियो शेयर नहीं कर पा रहा था। इसका रीजन ये है क्योंकि मैं मेरे एजुकेशन में काफी बिजी था, मींस मेरा लाइफ शेड्यूल थोड़ा बिजी हो गया था, इस वजह से मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। लेकिन गाइस, मेरे पास काफी टाइम से कमेंट्स एंड व्हाट्सएप मैसेजेस आ रहे थे, मैं आप सभी के मैसेज जरूर पढ़ रहा था लेकिन मुझे वीडियो बनाने का टाइम नहीं मिल रहा था। तो जब मैंने मैसेजेस रीड किए तो ज्यादातर लोगों का डाइट से इश्यू आ रहे थे, मींस उन्हें क्या खाना चाहिए क्या नहीं, सब अपना डाइट प्लान जानना चाहते हैं कि हमें डाइट प्लान बता दो, हम ये डाइट फॉलो करें ताकि हमारा वेट गेन हो सके या फिर वेट लॉस हो सके। तो आज मैं आपके लिए इस वीडियो में एक ऐसी चीज लेके आया हूँ, मींस ऐसी इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ जिसको देखकर आप आपकी डाइट को ट्रैक कर सकते हैं। मींस आपको क्या चीजें कितने अमाउंट में खानी है, मींस आपको कितने कितने अमाउंट में क्या क्या खाना है, जिससे आप पता कर सकते हैं कि आप क्या क्या खा रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपके साथ एक डाइट प्लान का चार्ट शेयर करूंगा जो कि किसी पर्टिकुलर पर्सन के लिए नहीं होगा, ये सभी के ऊपर अप्लाई हो सकता है, इसको सभी लोग फॉलो कर सकते हैं। तो बने रहिए आखिरी तक और जानते हैं हमारे डाइट प्लान के बारे में। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं ये है हमारा डाइट चार्ट। इसमें मैंने सभी चीजों को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है। इस कैटेगरी के हेल्प से आप आपकी डाइट को ट्रैक कर सकेंगे, मींस आपको कौन सा फूड कितना इंटेक करना है। मींस जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारा पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, जिसमें हमने क्वांटिटी रखी है 400 ग्राम। मींस आपको 400 ग्राम से ज्यादा कार्बोहाइड्रेट का इंटेक नहीं करना है। सेकंड ऑप्शन आता है पल्स, मींस दाल, हमें दालों की क्वांटिटी 80 टू 85 ग्राम रखना है जो कि हमारी डेली लाइफ के लिए सफिशिएंट होती है। इसी तरह से मैंने बाकी सभी को कैटेगरी वाइज डिवाइड कर दिया है। आप चाहे तो इसको आपकी किसी कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं एंड आप इस डाइट चार्ट की हेल्प से आपकी डाइट को ट्रैक कर सकते हैं, जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपको कौन सा फूड कितना इंटेक करना है। सो गाइस, ये था डाइट प्लान। इस डाइट प्लान की हेल्प से आप आपकी डाइट को ट्रैक कर सकते हैं, मींस आप किसी चीज का ओवर इंटेक तो नहीं कर रहे हैं या फिर किसी चीज का इंटेक कम तो नहीं कर रहे हैं। अब यह सब जानने के बाद आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि अगर हम इनकी कैलोरीज काउंट करते हैं तो ये काफी ज्यादा हो जाएगी। सो गाइस, इसका भी मेरे पास सॉल्यूशन है। इसमें जो मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट का ऑप्शन दिया है उसमें आप थोड़ा बहुत कम ज्यादा कर सकते हैं, मींस ज्यादा तो नहीं करना है 400 ग्राम से, मींस आप इसको कम कर सकते हैं। अगर आपकी इच्छा है आप 100 ग्राम ले लीजिए, 200 ग्राम ले लीजिए और इसके अलावा जो मैंने आपको बाकी चीज बताई है उसको आपको फॉलो करना है, मींस इससे ना तो कम खाएं या ना ज्यादा खाएं। सो गाइस, अगर आप इस डाइट प्लान को फॉलो करेंगे तो आप ओबेसिटी से बच सकेंगे, साथ ही साथ आप आपके वेट को मेंटेन कर सकेंगे। अगर किसी का वेट कम है इस डाइट को वो जरूर फॉलो करे, उसका वेट गेन जरूर होगा। सो गाइस, आज की वीडियो में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं, मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब जरूर दूंगा। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।